मगर आज अफसोस ये होता है कि अगर किसी पर इम्तिहान आता है वो इस इम्तिहान में फेल हो जाता है। इस हदीस में एक लफ्ज इस्तेमाल हुआ सब्रे जमील के साथ। अब ये भी बड़ा मसला है कि लोगों को यही नहीं पता कि सब्रे जमील है क्या। लोग कहते तो बहुत हैं अल्लाह पाक आपको सब्रे जमील अता फरमाए, अब उससे पूछो भाई सब्रे जमील की तारीफ क्या है, तो फिर तारीफ नहीं पता होती। ये किसी जमील भाई का सब्र नहीं है कि जिसको सब्रे जमील कहा जाता है। सब्रे जमील की तारीफ समझो। उलमा कहते हैं किसी मुसीबत ज़दा और गैर मुसीबत ज़दा को बराबर में देखो मगर दोनों में कोई फर्क नजर ना आए, यानी चेहरा भी ना बताए कि वो किसी मुश्किल में है, उसकी आदतें भी ना बताए कि वो किसी प्रॉब्लम में है, यानी उसको देखकर पता ही ना चले कि वो बड़ी मुश्किल में है। फरमाया ये है सब्रे जमील। मगर आज हमारा हाल ये है, हमारा चेहरा बता देता है भाई खैर तो है, बड़ी टेंशन में हो, हाँ यार क्या करूं बस मोबाइल टूट गया, अरे भाई बड़ी चेहरे पे बड़ी हवाइयां उड़ रही हैं, बस क्या करूं जनाब आज 5,000 रुपए खो गए, 5,000 रुपए खो जाए, छोटा सा नुकसान हो जाए, हमारा चेहरा बता देता है कि हमारे साथ कोई मामला हुआ है। सब्रे जमील ये है कि देख कर कोई पहचान ही ना सके कि ये बंदा कितनी मुश्किल में है, चाहे अंदर कितनी तकलीफ में हो दुनिया वालों को ना बताए क्योंकि वो रब का बंदा है, वो अल्लाह की बारगाह में फरियाद करे, ये सब्रे जमील है। और अल्लाह इसे हम सबको नसीब फरमाए।